वो ऐसे क्या मामल हैं जिसने इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो डीप रूटेड में चली गई? आपको क्या लगता है ऐसा क्या था भारत के अंदर कि वहां पे स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है? मैं देख रहा था अभी IMF जो है वो फोरकास्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है वो 8.2% जो है वो 2023 में है। इतनी बड़ी मुल्क को लेके इतने इतनी ग्रोथ रेट पे चलाना, वो क्या है जो आप समझते हैं कि इंडिया में तो चीजें ऑन ट्रैक है लेकिन हमारे पास ऑन ट्रैक नहीं रही? जिसको अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो पहली बात यह है, तो इसमें कंपैरिजन बनता नहीं, बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। मैं समझ सबसे पहले जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा अच्छा कार्ड है कि वो नया चेहरा है, और दूसरा बिजनेस माइंडेड लोग, ये कोई मजहब का कार्ड नहीं खेलते या एक्सट्रीमिस्ट नहीं है ये। और खान साहब के बारे में मशहूर था तालिबान खान, इंडिया के मामले में शरीफ खानदान का रवैया ये है कि उसकी बालादस्ती तस्लीम कर ली जाए। ओ बुतों को पूछते हैं, बुतों को, तुम भी आलू गोश्त खाते हो, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। अब वो गोश्त ही नहीं खाते, और गोश्त खाने वाले को जमा कर देते हैं, मार मार के पत्थर अलग कर देते हैं। तो ये माहौल रहा जिसकी रिफ्लेक्शन अभी आपने देखी है इमरान खान के दौर में। खान साहब ने चार खतरनाक कार्ड खेले हैं जो पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख देंगे। इसमें ये सियासी नहीं है, ये पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला के रख देंगे ये चारों कार्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। एक पाकिस्तान के अंदर वो रूल ऑफ लॉ की कमी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बड़ा आपने 75 साल से एक मजाक सा वो जो है वो हो रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या था भारत के अंदर कि वहां पे स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है? मैं देख रहा था अभी IMF जो है वो फोरकास्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रोथ रेट है वो 8.2% जो है वो 2023 में है। इतनी बड़ी मुल्क को लेके इतने इतनी ग्रोथ रेट पे चलाना, वो क्या है जो आप समझते हैं कि इंडिया में तो चीजें ऑन ट्रैक है लेकिन हमारे पास ऑन ट्रैक नहीं रही? अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो पहली बात यह है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का मजबूत होने का जो आपने बात की, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस तो कांग्रेस की आप पूरी जो स्ट्रगल है आजादी के लिए, उसमें कांग्रेस के अंदर एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर जो है वो कमेटीज थी, सेंट्रल कमेटी थी, जो कि आपको अल्टीमेटली ये तजर्बा देती हैं और इलम देती हैं कि आप उसी तरीके से मुल्क को कैसे डेमोक्रेटिकली चला सकते हैं। उसके बरक्स जो है वो इंडियन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उसमें पहले दिन से ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कोई तस्वर नहीं था। ये नवाबों, जागीरदारों और इस तरह के जो है लोगों की पार्टी थी, क्योंकि ये एक तरह का एक क्लब टाइप जो है वो चीज बन गई थी। तो उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद इसकी सिचुएशन पहले से भी कहीं ज्यादा जो है वो खराब हो गई। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में आपने किसी दूसरी पार्टी को भी फंक्शनल होने की इजाजत ही नहीं थी। मसलन मुस्लिम लीग के मुकाबले में पहली जो बड़ी पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट के तो एक पाकिस्तान का हिस्सा बनी, उसको आपने बैन कर दिया। उसके बाद आगे जाके जितनी भी पार्टीज जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा, जिन्होंने अपोजिशन का रोल अदा करने का जो है वो कोशिश की, ना ही उनको डेमोक्रेटिकली जो है वो काम करने दिया, उन पे गद्दारी के इल्जाम लगा के तो उनको जनाब सलाखों के पीछे फेंक दिया। तो ये माहौल रहा जिसकी रिफ्लेक्शन अभी आपने देखी है इमरान खान के दौर में। तो ये सारा माहौल जो है जाहिर है जब क्रिएट हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, तो उसका अल्टीमेट फायदा उसी फोर्स को होगा जो मुल्क की सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड फोर्स है, और वो आपकी थी जनाब मिलिटरी, जो एक मुनाज़म फोर्स थी। तो ये सिलसिला अभी तक कोई बड़े पैमाने पे बदला नहीं है। तो इस वक्त भी एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ के हजारों लोगों ने दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं कि या खुदा कि इस वक्त बाजवा साहब ये कह दें कि मैं इमरान खान अच्छा आदमी है, और दूसरों ने हाथ मसालों पे बैठे हुए हैं कि इस वक्त कह रहे हैं जी कि PDM बहुत अच्छा है। ये है इनकी मेंटालिटी, और मैं समझता हूँ कि ये चीजें हैं जो इंडिया से पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी के फील्ड में, तो इसमें कंपैरिजन बनता नहीं, बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। जाहिर है क्राइसिस वहां भी आते रहे, लेकिन वहां पे किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि पॉलिटिशियंस जो है वो घर चले जाएंगे और वहां पे जो है वो फौजी आमरियत मसलत हो सकती। तो इस तरह का जो माहौल है कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उसमें किसी की आपको आशीर्वाद या खुशनौदी जो है वो मांगने की जरूरत नहीं। जो इस वक्त पाकिस्तान में टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी गेम इस चीज पे जो है वो अटकी हुई है कि जनाब आर्मी चीफ किसके साथ। हालांकि आर्मी चीफ कहते हैं कि भाई मैं किसी के साथ नहीं, खुदा के लिए
मैं न्यूट्रल हूँ और हम आपके पास नहीं आते, आप हमारे पास बार बार आते हैं। बिल्कुल ब्रिस्टो, आपने सही कहा, ये हमारी बेशर्मी की आदत है। खान साहब ने चार खतरनाक कार्ड खेले हैं जो पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख देंगे। इसमें ये सियासी नहीं है, ये पाकिस्तान की फाउंडेशन को हिला के रख देंगे ये चारों कार्ड। देखें मजहब के कार्ड जो है उसके फर्क, इस वक्त उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, जो पीटीआई को नहीं मानता नाउजबुल्ला वो काफर है। अगर पीटीआई दोबारा नहीं आती तो इसका मतलब है आप गुलाम हैं। अगर आप पीटीआई को नहीं मानते तो आप गद्दार हैं। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते इट मींस कि यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर सपोर्टिंग अमेरिकन आइडियोलॉजी। तो इस आप इन डायरेक्शन में जा रहे हैं, बात सियासत से बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि सियासत में ये जमहूरियत में जो खान साहब ने किया है वो बिल्कुल है ही मौजूद नहीं इस वक्त। मुझे ये बताएं आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके मोराल के क्या हालात हैं? जो शहबाज शरीफ हैं वो उनके सामने जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी जब आपने बात की तो आपने कहा कि जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे आपके ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, इनसे ताल्लुकात बढ़ाना और चाइना, इनसे ठीक करना बहुत जरूरी है। मैं समझू सबसे पहले जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा अच्छा कार्ड है कि वो नया चेहरा है, उनके उनके बड़े भाई साहब जो है उनके 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 साथ भारत के एक अच्छी गुडविल थी उनके साथ, और दूसरा बिजनेस माइंडेड लोग, ये कोई मजहब का कार्ड नहीं खेल। देखिए दूसरी तरफ तो पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर जो थे, मैं अब क्या रिपीट करूंगा, वो कहते थे कि हम तो खुद कुछ हमले करने के लिए तैयार हैं। तो उनका और खान साहब के बारे में मशहूर था तालिबान खान, शहबाज शरीफ साहब ने भारत में मोदी साहब को लेटर लिखा, उनकी तरफ से जवाब आ चुका है। तो देयर इज अ विंडो ओपन राइट नाउ फॉर पाकिस्तान टू गो टू द राइट ट्रैक। इंडिया के मामले में शरीफ खानदान का रवैया ये है कि उसकी बालादस्ती तस्लीम कर ली जाए। चलिए मैं इस पे कल तफसील से बात करूंगी, लेकिन ये पूरी तारीख है कि क्या कैसे इनका रवैया बदला, ये परवेज रशीद वगैरह ने कैसे उन्हें इस पे आमादा किया। तुम्हारा भी वही रब है, हमारा भी वही रब है। ओ बुतों को पूछते हैं, बुतों को, तुम भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, वो गोश्त ही नहीं खाते, गोश्त खाने वाले को जमा कर देते हैं, मार मार के पत्थर अलग कर देते हैं। अब आ जाते हैं अरुण साहब इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर मौजूदा।